अज मैं तुहानू न्यू टॉपिक करवाउण जा रही हाँ जो पार्ट वन दे विच ऐड होए ने जी कलैक्ट थिंग्स दे उत्ते। सो इस ए पार्ट वन दे विच न्यू टॉपिक ऐड होए ने इस वारी। सो स्टार्ट करदे हाँ जी अज दी क्लास। मैं हरपिंदर कौर, तुसी देख रहे हो इंग्लिश विद रू। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, डू यू कलैक्ट थिंग्स, की तुसी कलैक्ट करदे हो थिंग्स? सर्टेनली यस, श्योरली यस, कहिंदे हाँ जी। आई एम फॉन्ड ऑफ गैदरिंग थिंग्स, मैं बहुत शौकीन हाँ कुछ भी इकट्ठा करन दा, गैदर हुंदा इकट्ठा करना। स्पेसिफिकली कहिंदे आई लाइक टू कलैक्ट हिस्टोरिकल प्रोडक्ट्स सच एज सैरामिक पॉटरी ऑफ जयपुर। सो कहिंदे मैनू हिस्टोरिकल प्रोडक्ट्स इकट्ठा करन दा बहुत शौक है, जिवें कि पॉटरी ऑफ जयपुर एज वैल एज पॉपेट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, कठपुतलियाँ। सो ईवन आई लव टू कलैक्ट ट्रेडिशनल अटायर्स, तो मैनू लाइक क्लोथ्स वगैरह इकट्ठे करन दा भी शौक है, सच एज फुलकारी ऑफ पंजाब एंड मैनी मोर। सो की कलैक्ट करन दा शौक है, वो अपने दो तीन चीज़ा मतलब कि डिस्क्राइब करती हैं। नैक्सट है, आर देयर एनी थिंग्स यू कीप फ्रॉम चाइल्डहुड, कोई इदा दिंग्स है जो तुम हूँ तक कीप करके रखिया हुई थोड़े बचपन दियाँ? वैल कहते आई हैव सम टॉयज एज वैल एज सम ओल्ड ड्रैसिज, कुछ मेरे को खिडौने ने कुछ ड्रैसिज ने दैट आई यूज टू वेयर वैन आई वॉज अ किड, जो मैं बचपन के ड्रैसिज पाँदी सी। मोर सो आई हैव सम ओल्ड इंडियन करंसी इज दैट इज नॉट इन यूज राइट नाउ, तो कुछ मेरे को पुरानी करंसी भी है जो कि हूँ यूज नहीं होंगी नाउ। सो एज सुविनियर आई कीप दैम विद मी एज अ रिमेंबरेंस, रिमेंबर मतलब कि यादगार के तौर पर कहते मैं इनू रख्या होया है, सुविनियर मतलब रिमेंबरेंस। So in addition to this, kende I have most of the gifts that are given by my friends and my parents on my special days, te mere kol gifts vi ne jo malke unna ne unna mainu special days te dete si. Third question hai ji, would you keep old things for a long time and why, ki tusi inna nu kende vi jehdi old things nu unna long time layi carry keep karoge? कहते ऑनेस्टली आई एम अ वेरी सेंसिटिव परसन, मैं एक सेंसिटिव परसन हाँ, आई रिस्पैक्ट ईच एंड एवरी थिंग दैट आई रिसीव फ्रॉम अदरस और बाय। सो कहते मैं हरेक चीज़ की रिस्पैक्ट करता हाँ, बिकॉज दीज थिंग्स टेक मी बैक टू द ओल्ड डेज, ऑल्सो रिमाइंड मी द बेस्ट मैमरीज ऑफ लाइफ। कहते ये जड़िया चीज़ा ने मतलब पुराने उस टाइम की याद करवादियाँ ने, ठीक है, तो जड़िया मैमरीज़ ने यादगार मतलब कि वह भी मैं रिमाइंड हो जाए रिकॉल हो जाए ने, एज वैल एज सम वर्स्ट ऑलसो, मतलब कि कुछ बुरा टाइम भी कहते मैं याद दिलादियाँ ने वर्स्ट, ठीक है जी। मोर ओवर आई ऑलसो थिंक दैट मे बी कम इन यूज वन डे, तो मैं ये भी आस है कि कई भी आने वाले टाइम की पता इन्हों का कदम कहते दोबारा यूज मैं कर सकता, मतलब कि यूज हो सकनगियाँ ये। सो फोर्थ है, वेयर डू यू यूजली कीप थिंग्स यू नीड, जिहड़ियां चीज़ों की तुहानू जरूरत हुंदी है कहिंदे ओह तुसी कित्थे कीप करदे हो? आई एम नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड परसन रिगार्डिंग दिस कंसर्न, कहिंदे मैं एक बहुत ज़्यादा सुलझा होया जां ऑर्गेनाइज्ड परसन नहीं हाँ। आई एम नॉर्मली कीप थिंग्स वेयर आई कैन ईजली फाइंड दैम, मैं कहिंदे उत्थे कीप कर रही जिथे मैनू ईजली मिल जाण, सच एज इन माई कबर्ड एज वैल एज ऑन माई स्टडी टेबल, और तुसी रूम च कह सकते हो। Also, I place the things in the drawers. ते कुछ चीज़ा कहते मैं drawers च भी रख दी। सो सिंपली जिथे चीज़ा मैंने फाइंड हो जाए उ places से कीप करना पसंद करती हाँ। ओके फ्रेंड्स, ए सी एज द टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नवी वीडियो के नाल, बाय बाय, टेक केयर।